मेरे पीछे देखा की वर्दियां नी किंद छट दे गुंडा गर्दियां नी लंदी चंग लिही मेरे तो रिंदी डर के नहीं बनी पिंड जित चंकी मेरे कर नमस्ते भाभी जी। कैसे हो मेरे जिगर के टुकड़ों? आई होप मजे में होगे। नॉर्मली लोग फेमस होने के लिए क्या क्या नहीं करते। आजकल लोग इवन टिकटॉक पर भी फेम हासिल करने के लिए तरह तरह की चवले मारते हैं। बट आज की वीडियो जिस महान इंसान के बारे में होने जा रही है वो फेमस होते हुए भी टिकटॉक पर चवले मार रहा है। अच्छा, मौसूफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैटर हुआ करते थे। बट वो कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सेम ऐसे ही इस भाई साहब को फेम रास नहीं आई और अपने पीक टाइम में दुनिया भर की कॉन्ट्रोवर्सी डांस और लोगों से वजह के पंगे लेकर अपने कैरियर की माँ बहन एक करवा ली। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। काफी अरसा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में पाकिस्तान को इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट करने के बाद जब मौसूफ बेरोजगार हो गए और काफी अरसा फुदुओं की तरह घर पर ही पड़े रहे तो किसी ने उन्हें मोबाइल पर टिकटॉक इंस्टॉल करके दे दी। आहा। और उसके बाद शुरुआत होती है भाई साहब के ताबनाक टिकटॉक कैरियर की। डांसर तो ये भाई साहब अपने क्रिकेट के दिनों से ही थे, बट अपने एक्सप्रेशंस और यूनिक स्टाइल को अपनी कड़ी तपस्या से और ज्यादा पॉलिश किया और आज सब उन्हें क्रिकेटर की बजाय मशहूर टिकटॉकर की हैसियत से जानते हैं। अगर इस मल्टी टैलेंटेड इंसान को आप लोगों ने पहचान लिया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी टिकटॉक की आन बान शान द वन एंड ओनली उमर अकमल की। उमर भाई की एक्टिंग स्किल से पहले मैं बात करना चाहूंगा इस वीडियो के बैकग्राउंड में चलते इन साउंड्स की। कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे उमर भाई का घर किसी हॉस्पिटल के आसपास है, इसलिए बहुत ज्यादा एम्बुलेंस का शोर सुनाई दे रहा है म्यूजिक के बैकग्राउंड में। सही बात है। एनीवेज जो भी हो, उमर भाई की एक्टिंग स्किल्स और फेस एक्सप्रेशंस देखकर मेरे दिल से बस एक ही आवाज निकल रही थी, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। वैसे उमर भाई की जवानी इतनी बदमाशी वाली है, जस्ट इमेजिन बुढ़ापा कैसा होगा। उमर भाई की वीडियोस में आपको और कुछ मिले या ना मिले, बट एक चीज आपको भर भर कर मिलेगी और वो है उमर भाई का ओवर कॉन्फिडेंस। ये सब क्या देखना पड़ रहा है यार? ऐसे नहीं लग रहा जैसे कोई गुंगा इशारों की जबान में डांस कर रहा हो। एक लम्हा के लिए तो इसकी छपरी हरकतों से हम जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस भी 100% बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी छपरी वीडियोस अगर लोग लाइक कर सकते हैं तो हमारी क्यों नहीं। बात तो सही है। उमर भाई की एक्टिंग से मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिखता है जितना चाहत फतेह अली खान के सिंगिंग में। कितना मजा आए अगर हमें इन दोनों का डुओ या फिर चाहत फतेह अली खान के सॉन्ग्स पर उमर अकमल का डांस देखने को मिले। उमर अकमल को अपनी बैटिंग स्किल्स से ज्यादा अपने डांस स्किल्स पर नाज है। यकीन नहीं आता तो सबूत देख लो। थोड़े से ठुमके लगा लो, क्या है? तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी नहीं। इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। मुझे बताएं आप, अगर मैं अपने सके बहन भाइयों की शादी पे एंजॉय कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, क्या जबरदस्त नाचे। दुनिया के सामने तो उमर अकमल भाई नाचते गाते फिरते हैं, बट उसकी डिप्रेशन को नादिर अली भाई ने अपने एक पॉडकास्ट में पकड़ लिया है। डिप्रेशन में ऐसा लग रहा है, डिप्रेशन में है, सोच है कोई, ऐसा लग रहा है आपके चेहरे को जो मैं रीड कर रहा हूँ कि मेरे साथ ज्यादा होगी। देखिए, ये तो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है जो कर रहे हैं। अगर हो रही है मेरे साथ और जो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनसे ये सवाल करने से ज्यादा बेटर है। मेरा काम है परफॉर्म। अच्छा, इसका मतलब उमर अकमल भाई डिप्रेशन में आकर ऐसी वाहियात टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं। रुलाएगा क्या पगले? उमर
अकमल के एक बात तो तय है कि ये इंसान इतनी बेहूदा टिकटॉक्स बना के शायद पाकिस्तानी कौम से उसके नाक करदा गुनाहों का बदला ले रहा है, या तो फिर उमर अकमल ने तहैया कर लिया है कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका कैरियर खत्म किया, अब ये इतनी बकवास किस्म के टिकटॉक वीडियोस बना 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 के लोगों को टिकटॉक अनइंस्टॉल करने पर मजबूर करके टिकटॉक ऐप के सीईओ का कैरियर खत्म कर देगा। कोई इस चमन के चिलगोजे को समझाओ कि भाई टिकटॉक ऐप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मलकियत थोड़ी है, कुछ रैम खाओ यार प्लीज। टिकटॉक को ऐसे बर्बाद करके हम जैसे मीमर्स और रोस्टर्स का कैरियर खत्म मत करो, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहो कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो का लाइक्स टारगेट है 50 लाइक्स। अगर इस वीडियो पर 50 लाइक्स आए तो हमारी टीम की तरफ से आप सबको आज नमाज की भरमार होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। जाना मेरे पास मेरे क्लास में थी वो, पास मेरे खड़ी जाना फुल ऑफ ईगो। फ्रेंड्स बोले बात कर, मैंने बोला ए यो, बोली भाई जरा सा दो लेमिगो। जाना मेरा दिल लुटा हाउ डू शी गो, जाना बोले चल भाई नेक्स्ट टाइम ट्राई दो ड्रॉप क्या ट्रैक अप वो, बोले लेट्स गो कौन दिया लिंक चैनल आई डोंट नो नो। चिलिंग इन द मॉर्निंग एलियन।